वेलकम बैक दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 51 यानी कि 51 साउथ एक्टर्स की रियल लाइफ की वाइफ्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपने शायद कभी ना देखा हो। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आपने इसमें कुछ भी मिस किया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल प्राइम्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब कीजिए ना और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए करते हैं शुरू। नंबर 1, अल्लू अर्जुन। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता साउथ के साथ साथ पूरे भारत भर में है। अल्लू अर्जुन ने 6 मार्च 2011 को स्नेहा रेड्डी के साथ शादी की। नंबर 2, नागा चैतन्य। साउथ के लोकप्रिय एक्टर्स में से एक नागा चैतन्य ने 7 अक्टूबर 2017 को साउथ की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक समंथा रूथ प्रभु से शादी की। नंबर 3, यश। KGF फिल्म से पूरे भारत का दिल जीतने वाले रॉक स्टार यश ने 9 दिसंबर 2016 को अपनी ही फिल्म की को स्टार राधिका पंडित के साथ शादी कर ली। नंबर 4, सोनू सूद। लॉकडाउन जैसे कठिन काल में लाखों लोगों की मदद करने वाले सोनू सूद ने कई साउथ मूवीज में काम किया है। सोनू ने 25 सितंबर 1996 को सोनाली सूद के साथ शादी की। नंबर 5, महेश बाबू। साउथ के प्रिंस और सुपरस्टार महेश बाबू ने भी कई ब्लॉकबस्टर मूवीज साउथ इंडस्ट्री को दी हैं। महेश ने 10 फरवरी 2005 को अपनी को स्टार नम्रता शिरोडकर के साथ शादी की। नंबर 6, जूनियर NTR। नंदा कुमारी तरक्का रामा राव, जिन्हें हम यंग टाइगर और जूनियर NTR के नाम से जानते हैं, उन्होंने 5 मई 2011 को लक्ष्मी प्रनाथी के साथ शादी की। नंबर 7, धनुष। मारी मारी 2 और राउडी हीरो जैसी प्रमुख साउथ मूवीज में काम करने वाले एक्टर धनुष ने 18 नवंबर 2004 को सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के साथ शादी की। नंबर 8, ननी। अपने रोमांटिक और एक्शन के अंदाज से जाने जाने वाले ननी ने 27 अक्टूबर 2012 को अंजना येलावार्थी के साथ शादी की। नंबर 9, रामचरण। मेगा स्टार चिरंजीवी के बेटे चेरी उर्फ रामचरण, जो आज खुद भी एक मेगा स्टार हैं, उन्होंने 14 जून 2012 को उपासना कामिनेनी के साथ शादी की। नंबर 10, विजय। साउथ के दूसरे हाईएस्ट पेड एक्टर और भारत में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग्स पाने वाले सेलिब्रिटीज में से एक थलापति विजय ने 25 अगस्त 1999 को संगीता स्वर्णालिंगम के साथ शादी की। नंबर 11, नितिन। यंग और रोमांस से भरी फिल्म करने वाले नितिन ने पिछले ही साल 2020 में शालिनी कुंदुकुरी के साथ शादी की। नंबर 12, सूर्या। सरवन शिवकुमार, जिन्हें हम उनके स्टेज नेम सूर्या से जानते हैं, उन्होंने 11 सितंबर 2006 को साउथ एक्ट्रेस ज्योतिका के साथ शादी की। नंबर 13, उपेंद्र राव। एक्टर, प्रोड्यूसर, साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम करने वाले उपेंद्र ने 14 दिसंबर 2003 को प्रियंका उपेंद्र के साथ शादी की। नंबर 14, रवि तेजा। स्ट्रगल के साथ अपना करियर शुरू करने वाले और अब लोकप्रिय एक्टर बनने वाले रवि तेजा ने 26 मई 2002 को कल्याणी तेजा के साथ शादी की। नंबर 15, रजनीकांत। सुपरस्टार रजनीकांत, जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जिनके ना सिर्फ साउथ में, ना सिर्फ भारत में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैंस हैं, उनके बारे में क्या इंट्रोडक्शन देना। रजनीकांत ने 26 फरवरी 1981 को लता रंगाचारी के साथ शादी की। नंबर 16, विजय देवरकोंडा। दोस्तों, काफी लोगों के मन में यह सवाल है कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना क्या मैरिड हैं या फिर क्या दोनों रिलेशनशिप में हैं? तो मैं आपको बता दूं कि विजय और रश्मिका दोनों मैरिड नहीं हैं और न ही किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। नंबर 17, आर्या। जमशेद सेथिकार्थ उर्फ आर्या एक इंडियन एक्टर और प्रोड्यूसर हैं जो मुख्यतः तमिल फिल्म्स में काम करते हैं। आर्या ने 10 मार्च 2019 को एक्ट्रेस सायशा सैगल से शादी की। नंबर 18, राणा दग्गुबती। फिल्म बाहुबली में भल्लाल देव की भूमिका से प्रसिद्धि पाने वाले राणा दग्गुबती ने 8 अगस्त 2020 को मिहिका बजाज के साथ शादी की। नंबर 19, किच्छा सुदीप। साउथ के वेटरन एक्टर किच्छा सुदीप ने 18 अक्टूबर 2001 को प्रिया राधाकृष्णन के साथ शादी की। नंबर 20, पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार एक इंडियन एक्टर, प्लेबैक सिंगर, टेलीविजन प्रेजेंटर और प्रोड्यूसर हैं, जो ज्यादातर कन्नड़ फिल्म्स में काम करते हैं। पुनीत ने 1 दिसंबर 1999 में अश्विनी रेवानाथ से शादी की। नंबर 21, गोपीचंद।
सिटी मार चाणक्य और ऑक्सीजन जैसी हिट मूवीज में लीड रोल निभाने वाले गोपीचंद ने 12 मई 2013 को रेशमा के साथ शादी की। नंबर 22, नागार्जुन। साउथ के सबसे लोकप्रिय एक्टर्स में से एक नागार्जुन एक एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर, टेलीविजन प्रेजेंटर और एंटरप्रेन्योर भी हैं। नागार्जुन ने दो शादियां की हैं, जिनमें पहली शादी 18 फरवरी 1984 को लक्ष्मी दगुबती के साथ की थी और बाद में दूसरी शादी 11 जून 1992 को अमाला अक्कीनेनी के साथ की। नंबर 23, प्रकाश राज। साउथ में ज्यादातर विलन का रोल प्ले करने वाले प्रकाश राज ने भी अब तक एक से ज्यादा शादियां की हैं, जिनमें सबसे पहली शादी 25 दिसंबर 1994 को ललिता कुमारी के साथ और फिर दूसरी शादी 24 अगस्त 2010 को पौनी वर्मा के साथ की थी। नंबर 24, विष्णु मंचु। ज्यादातर तेलुगु फिल्मों और टेलीविजन पर काम करने वाले विष्णु मंचु एक एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन भी हैं। विष्णु मंचु ने 2008 में वेरोनिका रेड्डी के साथ शादी की। नंबर 25, कार्थी। कार्तिक शिव कुमार, जिन्हें हम उनके निकनेम कार्थी के नाम से जानते हैं, कार्थी ने 3 जुलाई 2011 को रंजनी चिन्ना स्वामी के साथ शादी की। नंबर 26, अजीत कुमार। थला अजीत कुमार ने भी कई ब्लॉकबस्टर साउथ मूवीज में काम किया है। अजीत ने 24 अप्रैल 2000 को अपनी को स्टार शालिनी के साथ शादी की। नंबर 27, दुलकर सलमान। फेमस इंडियन एक्टर, प्लेबैक सिंगर और फिल्म प्रोड्यूसर दुलकर सलमान ज्यादातर मलयालम मूवीज में काम करते हैं। दुलकर ने 22 दिसंबर 2011 को अमल सूफिया से शादी की थी। नंबर 28, प्रसन्ना। एक्टर प्रसन्ना वेंकटेशन ने साल 2012 में एक्ट्रेस सुहासिनी राजाराम नायडू उर्फ स्नेहा से शादी की। नंबर 29, दग्गुबती वेंकटेश। 1986 में कलयुग मूवी में डेब्यू करने वाले वेटरन एक्टर दग्गुबती वेंकटेश ने 1985 में नीरजा वेंकटेश के साथ शादी की। नंबर 30, सुधीर बाबू। साउथ इंडस्ट्री में उभरते हुए एक्टर पोसनी नागा सुधीर बाबू उर्फ सुधीर बाबू ने साल 2006 में महेश बाबू की सिस्टर प्रियदर्शनी घट्टा मेनानी के साथ शादी की। नंबर 31, जयम रवि। रवि मोहन, जिन्हें हम जयम रवि के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 4 जून 2009 को आरती से शादी की। नंबर 32, चिरंजीवी। वेटरन और लेजेंडरी एक्टर चिरंजीवी ने अपने 39 साल से भी बड़े करियर में साउथ फिल्म इंडस्ट्री को 150 से भी ज्यादा मूवीज दी हैं, जिसमें कई सारी ब्लॉकबस्टर्स और सुपरहिट फिल्म्स हैं। चिरंजीवी ने 20 फरवरी 1980 को सुरेखा कोनीडाला से शादी की। नंबर 33, पवन कल्याण। साउथ के एक और वेटरन और लेजेंडरी एक्टर के साथ साथ ही चिरंजीवी के छोटे भाई पवन कल्याण ने आज तक 3 शादियां की हैं, जिसमें पहली शादी 17 मई 1997 को नंदिनी के साथ, दूसरी शादी 28 जनवरी 2009 को रेणु देसाई के साथ और तीसरी शादी 30 सितंबर 2013 को एला नेजनेवा के साथ की। नंबर 34, नंदकुमारी बालकृष्णा। अपने 40 साल से भी ज्यादा के करियर में 100 से भी ज्यादा तेलुगु फिल्में कर चुके नंदकुमारी बालकृष्णा जी ने 8 दिसंबर 1982 को वसुंधरा देवी से शादी की। नंबर 35, श्रीकांत। 120 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके मीका श्रीकांत उर्फ श्रीकांत ने 20 जनवरी 1997 को शिवरंजनी के साथ शादी की। नंबर 36, प्रभास। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि प्रभास ने शादी कर ली है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रभास अभी भी अनमैरिड है और आज तक उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताया है। नंबर 37, मंचू मनोज। मंचू मनोज कुमार ने 20 मई 2015 को प्रणाथी रेड्डी के साथ शादी की। नंबर 38, पृथ्वीराज सुकुमारन। पृथ्वीराज सुकुमारन ने 25 अप्रैल 2011 को सुप्रिया मेनन से शादी की। नंबर 39, विजय सेतुपति। साउथ के साथ साथ पूरे भारत में लोकप्रियता पाने वाले विजय सेतुपति ने साल 2003 में जैसी सेतुपति से शादी की। नंबर 40, ममूटी। दुलकर सलमान के पिता और एक वेटरन एक्टर ममूटी ने 6 मई 1979 को सुल्फैत कुटी से शादी की। नंबर 41, फहाद फाजिल। फहाद फाजिल, जो अभी अल्लू अर्जुन के साथ सामने पुष्पा फिल्म में दिखाई देने वाले हैं, उन्होंने 21 अगस्त 2014 को नजरिया नाजीम के साथ शादी की। नंबर 42, इंद्रजीत सुकुमारन। 95 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके इंद्रजीत सुकुमारन ने 13 दिसंबर 2002 को पूर्णिमा इंद्रजीत से शादी की। नंबर 43, निविन पॉली। मुख्यतः मलयालम फिल्मों में काम करने वाले निविन पॉली ने 28 अगस्त 2010 को रीना जॉय के साथ शादी की। नंबर 44, जयसूर्या। मलयालम फिल्मों के एक्टर जयसूर्या ने 31 जनवरी 2004 को सरिता जयसूर्या से शादी की। नंबर 45,
जगपति बाबू 32 साल से भी ज्यादा के करियर में 120 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके और ज्यादातर विलन का किरदार निभाने वाले जगपति बाबू की वाइफ का नाम लक्ष्मी है। नंबर 46, आदि। यंग और टैलेंटेड एक्टर आदि ने 13 दिसंबर 2014 को अरुणा से शादी की। नंबर 47, निखिल सिद्धार्थ। एक और यंग और टैलेंटेड एक्टर निखिल सिद्धार्थ ने 14 मई 2020 को पल्लवी वर्मा से शादी की। नंबर 48, भारत। भारत ने 9 सितंबर 2013 को जैशली जोशुआ से शादी की। नंबर 49, शिवा कार्तिकेयन। शिवा कार्तिकेयन ने 27 अगस्त 2010 को आरती डॉस से शादी की। नंबर 50, अरुण विजय। अरुण विजय ने 2006 में आरती मोहन के साथ शादी की। नंबर 51, सनी वेन। सनी वेन ने 10 अप्रैल 2019 को रंजनी कुंजू के साथ शादी की। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कमेंट शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। और आगे भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल प्राइम्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। और अगर आप हमसे यहां यूट्यूब के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए और हमसे भी मिलिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और शुक्रिया।